हेलो गाइस, कृष्णा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं करौंदा मिर्ची। तो उसके लिए सबसे पहले हम करौंदा मिर्च को ऐसे छील लेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च भी साइड में छील लेंगे। और अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें नमक ऐड करेंगे। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमने हाफ टी स्पून लिया है। अब हम इन मिर्च को 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अब इनको अच्छे से ढककर रख देंगे और ये कुछ ऐसी दिखेंगी थोड़ी देर बाद। अब इनको पानी से अलग कर लेंगे। अब इस सब्जी में पड़ने वाले मसाले लेंगे, थोड़ा सा कटा प्याज, जीरा, हल्दी और पिसी हुई सौंफ भी लेंगे और पिसा हुआ धनिया भी। और अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। उसमें सबसे पहले मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले तेल में जीरा लगाएंगे, और अब प्याज ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें वाली मिर्च ऐड करेंगे जो हमने पानी से निकाली थी। उसके बाद इसमें हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और सौंफ पिसी हुई जो ली थी वो भी ऐड करेंगे। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हाफ टी स्पून चाट मसाला और हींग ऐड करेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें करौंदा ऐड करेंगे। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और थोड़ी देर इसे ढक के रख देंगे और फिर ढकने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी सब्जी। तो उसको अच्छे से चला लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और इसके साथ आप पराठे सेक सकते हैं। और लीजिए, आपकी करौंदा की सब्जी रेडी है। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृष्णा किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।